सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पी के बी प्रियम के ब्लॉग्स में। और ये है मेरे लास्ट 5 डेज इन LPU और आज हम लोग जाने वाले हैं हवेली और आज रात को आने वाला है मेरा भैया, क्योंकि मैं यहाँ से वापस घर जा रहा हूँ 13 की रात को। और मैंने प्लान किया लाइक मेरे जो अगले 5 दिन होंगे मैं कंटिन्यूसली ब्लॉग शूट करूंगा एंड डेली एक ब्लॉग डालूंगा शाम के टाइम पर। और इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा LPU की जो नियर बाई प्लेसेज हैं घूमने लाइक उनको एक्सप्लोर करूंगा और आपको दिखाऊंगा, प्लस अपनी जर्नी शेयर करूंगा। जो मेरा लास्ट वीडियो होगा उसमें कंक्लूजन होगा लाइक मैं 2 महीने यहाँ पे रहा तो मेरे को LPU से क्या सीखने को मिला, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे बुरा लगा। एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय दीज ब्लॉग्स टू मच एंड इतना सारा प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया। पिछले 28 दिन में जो मेरे चैनल की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई है आप ही लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, तो ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट दिखाते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, प्लस ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करने की कोशिश किया करो। इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी ज्यादा कंटेंट बनाने का और उसको इम्प्रूव करते रहने का। सो अभी अपन लोग चलते हैं हवेली के लिए और अभिषेक मेरे को लेने आने वाला है, मैं उससे भी आप लोगों को मिलवाता हूँ कि अभिषेक कौन है और हम लोगों ने आगे क्या प्लान किया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं लेट हो गया हूँ और अभिषेक आ चुका है और बंदर गाड़ी में बैठा है। सो जल्दी जल्दी चलते हैं, वही हमेशा का मास्क रह जाता है। एंड ही इज अभिषेक एंड ही इज सूरज। सो लेट्स गो और आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे कैसा अपना दिन रहता है। Here we are, हवेली और यहाँ से हवेली शुरू हो जाता है ना। हाँ यहाँ से हवेली शुरू होता है और के साथ दो चार लिखा हुआ है आप देख सकते हो, साथ में 2-3 रिजॉर्ट भी हैं। यहाँ पार्किंग है आगे जाके, अभी चलते हैं अंदर फिर आप लोगों से बात करते हैं। सो हेयर वी आर एट हवेली और यहाँ पे अभिषेक भी अपना ब्लॉग शूट कर रहा है क्योंकि ये भी एक ब्लॉगर है। और यहाँ पे हम अभी अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी प्यारा नज़ारा लग रहा है और 3 से 4 दिन बाद आई थिंक यहाँ पे धूप निकली है। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे लाइन से स्टॉल्स हैं लाइक शॉप्स हैं खाना पीने के लिए और चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे और क्या जानने को मिलता है। तो वी आर एंट्रिंग फॉर द लंच, अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और ये है यहाँ पे एक रेस्टोरेंट, उसका नाम मैं आप लोगों को अभी देख के बताता हूँ। और यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड है लाइक आप लोग देख सकते हो, और हम 3 लोग हैं अभी, हम लोग खाना खाने आए हैं। खाना खाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या और एक्सप्लोर करने को मिलता है। सो लेट्स गो। और यहाँ पे पाजी बैठे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल है। और यहाँ पे एक ट्रक खड़ा है यहाँ पे। किधर बैठना है? लाइक काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे खाने के लिए। अभिषेक खाएं? तो यहाँ पे अभिषेक अभी मेन्यू पढ़ रहा है और डिसाइड कर रहा है कि क्या खाना है हम लोगों को, और सूरज बस सोच रहा है। मैं बस सोच रहा हूँ खाना ला दो उसको, बस खाना ला दो। और यहाँ पे फूल रखे हैं, ज़्यादा भूख लगेगी तो फूल ही खा लेंगे अपन लोग और पानी पी के यहाँ से चल देंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीन लग रहा है लाइक, और अभी और भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लाइक, पहले पेट पूजा कर लें बाकी काम दूजा। तो अभिषेक भाई कैसा लग रहा है आके? भाई बढ़िया, मैं डेली का हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग LPU में रह रहे हो या फिर आसपास कहीं रहते हो तो हवेली एक अच्छा एरिया है अगर आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो और घूमना चाहते हो यहाँ पे। सो खाली मंगवाते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। लाइक अगर आप लोग यहाँ पे आने से पहले इन लोगों का मेन्यू देखना चाहते हो तो ये मेन्यू है, आप लोग इसमें प्राइसेस स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो। और इस तरीके से इन लोगों ने मेन्यू प्रिंट कराया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक कार्ड शीट है, अगर आप मैं दिखाने को शोरूम में कितना मोटा है, और एक कार्ड शीट है जिसके ऊपर ये पूरा मेन्यू प्रिंटेड है। तो आई फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग है, जो नमक और मिर्च वाला है तो उस पर लाइक कुछ इन्होंने इस तरीके से प्रिंट कराया है। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ,
और यहाँ पे एक और रखा है लाइक नमक का, उस पर लिखा है जुबान पे लगा नमक चमचे तो इश्क के रहो। वाओ, चमचे तो बच के रहो, चमचे तो बच के रहो, लाइक इसमें चमचे रखी हुई है। यहाँ पे अभी ना एक और मेन्यू तो पड़ी, लाइक एक छोटा सा मेन्यू है यहाँ पे जिसमें लाइक मंडे स्पेशल लाइक पीछे है, हर दिन का स्पेशल, लाइक यहाँ पे एवरी डे कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है, क्या क्या स्पेशल बनता है विद प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। और इधर साइड लाइक आप लोग देख सकते हो तो ट्रेडिशनल पंजाब एग रेस्टोरेंट, यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का और नो अनियन नो गार्लिक, अगर लाइक किसी को प्याज और गार्लिक से बिल्कुल अलग खाना है तो वो उसका मेन्यू यहाँ पे अलग से इस तरीके से दिया हुआ है। सो हम वेट कर रहे हैं अभी खाने का, लाइक खाना आ गया इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है भाई, हमारे लिए खाना लेके आए टेस्टी टेस्टी। सो चलिए खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हमारी थाली आ चुकी है, और ये थाली कौन सी है? ये है हवेली दी स्पेशल थाली। हवेली दी स्पेशल थाली आप लोग देख सकते हो, एक दाल मखनी है, पनीर है, और यहाँ पे आलू है, चावल है, खीर है, और ये रायता है, और बीच में एक पापड़ है, चटनी है, प्याज है, और यहाँ रही हमारी रोटियाँ। हम फटाफट से खाने को निपटाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और भूख का सब रब टूट चुका है। तो एट द एंड खाना ख़त्म होने के बाद खाना ठीक था, लाइक अगर आप किसी अच्छा जगह जाओगे तो लाइक नॉर्मल कम स्पाइसी, और अगर आप हेल्दी हो तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक खाना था। और यहाँ पे एट द एंड हमें ये बुग्गी मिली है जिसमें लाइक गुड़ है और वही मिश्री गायब हैं और सोप वगैरह हैं, और यहाँ पे टूथ पिक जो कि ख़त्म हो चुकी है। तो इस बुग्गी को लेकर अब हम चलते हैं दूसरी जगह, सो लेट्स गो। का खाना पीना हो गया है, अब यहाँ के लाइक आई थिंक अमृतसरी कुलचे और छोले बहुत फेमस हैं, नान या जो भी यहाँ पे बोलते हैं, तो वो अभी अभिषेक ले रहा है और चाय भी हम लोग ले रहे हैं साथ में, और पीछे लाइक काफ़ी ठीक है। और हम अभी कल परसों में रात में भी आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने सुना है, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे रात में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, लाइक लाइटनिंग वगैरह, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा आपको शायद देखने को लग सकता है। और अभी अपन लोग चाय और कुलचे का वेट कर रहे हैं, जैसे वो आते हैं देन उनको भी आपको दिखाते हैं, और फिर यहाँ से चलते हैं। फाइनली वी हैव छोले कुलचे और वी कैन से वॉट एवर, सो अब इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे जो भी आता है वो ये जरूर खा के आता है, तो हमने सोचा ये तो जरूरी टेस्ट करेंगे, तो इसको टेस्ट करके फिर आप लोगों से बात करते हैं। सो हेयर इज अ मिस्टेक, ये जो है ये अमृतसरी नान है, छोले कुलचे नहीं है, लाइक पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, सूरज ने याद दिलाया हमको, सो बी थैंकफुल टू हिम। सो चलो अब क्या है ये अमृतसरी नान, तो इसको टेस्ट करते हैं और फिर रिव्यू करते हैं। तुम टेस्ट मत करो, मैं टेस्ट करूंगा। अभिषेक अभी तक अपनी कॉफी नहीं निपटा पाया, उससे पहले अमृतसरी नान आ गए। क्या जानवर है। तो हमारी पेट पूजा पूरी हो चुकी है, और अब हम वापस जा रहे हैं अपने रूम पर, और काफ़ी सही एक्सपीरियंस लगा, हाँ कि कुछ नया है, और क्योंकि उधर साइड कुछ ऐसा है नहीं घूमने के लिए, तो अगर आप लोग इधर आ सकते हो एक्सप्लोर करने के लिए, हाँ बट अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे जो खाना है ना वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसी अगर आपका बजट है तो आप यहाँ पे आओ, वरना आप यहाँ पे आके घूम के जा सकते हो और आसपास कहीं खा सकते हो, बट हाँ टेस्ट इज़ गुड, बुराई नहीं करूँगा, और बाकी सब कुछ अच्छा था एक्सपीरियंस, लाइक अगर आप एनवायरमेंट वगैरह या वैसे देख के आते हो, और काफ़ी क्राउड था, लाइक ऐसा मेरे को लगा नहीं कि कोविड का यहाँ पे बिल्कुल भी असर है। सो अब हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं और फिर रूम पे पहुँच के मैं आप लोगों से बात करता हूँ। सो रूम पे पहुँचने के बाद हम लोग बात डिस्कस करते हैं, लाइक क्या कैसा रहा और आगे आने वाले दिनों में कैसे कैसे ब्लॉग्स आने वाले हैं और कैसा हम लोगों का एक्सपीरियंस था। सो लेट्स गो। तो अभी अभिषेक कहीं गया हुआ है अपने काम से, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक यहीं पे एंडिंग कर देते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, हमारा अगले 5 दिन का प्लान शेड्यूल्ड है कि लाइक मेरे को क्या क्या करना है, जिसमें से आज का दिन था जिसमें हमें हवेली जाना था, कल फिर हम शायद कल रात में फिर परसों रात में वापस हवेली जाएंगे, LPU जाएंगे, और हम वहाँ के एक मंदिर है वहाँ पर भी हम जाने वाले, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा,
सो हम काफी ज्यादा जगह एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे नियर बाय जितनी भी घूमने की है, ताकि आप लोगों को भी पता रहे। और आज का दिन काफी अच्छा था, अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे जाके, क्योंकि जो वहाँ पे सीन था लाइक जिस तरीके से वो बना हुआ था लाइक वो देखने लाइक था। मैंने सुना है वहाँ पे बराबर में एक और प्लेस है जहाँ पे पंजाब के ट्रेडिशन सारे आपको दिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, फिर आपको खाना खिलाया जाता है बड़े प्यार से, कि लाइक जैसे मम्मा कहती है ना कि और लो एक रोटी और, मेरे को सुनने में कि लाइक उसी तरीके से वहाँ जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है। और 1000 रुपये करीब की वहाँ की टिकट है पर पर्सन आई थिंक, तो उसी के अंदर खाना वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। देखते हैं अगर वहाँ पे जाने का होता है तो वहाँ पे आपको लोगों को दिखाते हैं कि कैसे वगैरह घूमने का है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो यार मैं सोच रहा हूँ डेली ब्लॉग्स करने का, तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना लाइक चंदौसी में जाने के बाद, लाइक अपने शहर में आने के बाद मैं डेली ब्लॉगिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो यार सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दो चैनल को। वीडियो को तो यार लाइक करना आप भूल ही नहीं सकते ना, सो मेरे को इतना भरोसा है आप लोगों पर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। मैं कर रहा था ना वो ये जाम है, देखो उधर का ट्रैफिक भी आएगा अब इधर का भी जाएगा तो बीच में लगेगा जाम, ऐसा फ्लाईओवर बनाया इन्होंने। और एक हमारे कॉलेज वाले हैं, हर जगह प्रमोशन करने से बाज नहीं आते हैं, देखो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हर जगह ही यार।